सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान चालीसा, शमशान, कब्रिस्तान, इन सबका विवाद कुछ समय से चला आ रहा है। तो वहीं सीएम के लाउडस्पीकर उतरवाने की अच्छी पहल भी सामने आई है। ईद आ गई है, सड़क पर नमाज पढ़ने की रोक भी हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत भी दे दिया है कि ईद पर किसी ने भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का प्रिय बुलडोजर भी ऐसे लोगों के लिए तैयार है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार की ईद किस तरह की होगी, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं, जो भी कानून, जो भी शांति व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं, वो ईद को देखते हुए लाई जा रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एकता और शांति के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग इसको एकता और शांति का प्रतीक भी मान रहे हैं, कुछ लोग इसको राजनीति भी मान रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इन सबके बीच और सबसे हटकर सवाल यह खड़ा होता है इंसानियत का। इंसानियत कितना है? जितना जरूरी हमारे लिए होली, दिवाली, रामनवमी है, उतना ही हमारे लिए जरूरी ईद भी है। और एकता की मिसाल पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से ही कई जगहों से सामने आई है। जब रामनवमी के दौरान कोई हमारा मुस्लिम भाई पानी पिलाते हुए नजर आता है, शोभा यात्राओं के दौरान शोभा यात्राओं पर फूल फेंकता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर मीडिया पर भी सवाल उठता है कि मीडिया वाले इन मुद्दों को हाइप नहीं करते, इसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक सिर्फ और सिर्फ एकता दिखाए। एकता इसलिए दिखाएं क्योंकि एकता की जरूरत है। जिस तरह से देश सुलग रहा है, महाराष्ट्र से पहले बवाल शुरू हुआ, दिल्ली, दिल्ली के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कई जगहों पर जिस तरह से लोग आपस में भिड़े, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंका गया, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को नहीं। सबसे अहम बात यह है कि कब थमेगा यह, कब हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए असली मुद्दा यह नहीं है। फिलहाल ईद आ गया है, कल परसों में ईद है। ईद एक अहम त्योहार है, ईद भी एकता की मिसाल देता है। पूरे देश से अलग अलग अच्छी तस्वीरें सामने आती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं। और आज जो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, रजी हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, वही आजम खां इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ महमूद आरएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ईद को लेकर इतनी तैयारियां क्यों? देखिए तस्ला जी, ईद मुस्लिमों का एक विशेष त्यौहार है जी। और भाईचारे का त्यौहार है, मिलने मिलाने का त्यौहार है, और हम सब चाहते हैं कि ईद का त्यौहार शांति से संपन्न हो। रामनवमी के दौरान जो समाज में समस्याएं देखने को आईं, अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, फिलहाल उन समस्याओं से सबक लेते हुए प्रशासन चाक चौबंद है, दुरुस्त कर रहा सारी चीज़ों को। इसी क्रम में चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मंदिरों, मस्जिदों, सब जगह से लाउडस्पीकर हटाने के लिए और जिनको परमिशन भी है उनकी एक सीमित डेसिबल में आवाज़ रखी जाए, इसकी भी कवायद प्रशासन द्वारा की जा रही है जी। रजी हसन जी, ईद को लेकर इतनी तैयारियां की गई है, हाल ही में अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में भी गए, किस तरह से देखते हैं और कितना भव्य और शांतिपूर्ण होगा इस बार का ईद? पहले तो सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को एडवांस में ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद इस समाजवादी पार्टी की ओर से और हमारी ओर से। और जो आज का मुद्दा है उस पर अब जो आपने कहा कि हम लोग कैसे देखना चाहते हैं जी, ईद आज से नहीं मनाई जा रही है जी, ना कोई त्यौहार आज से नया रिसेंटली शुरू हुआ है जी। हमेशा से ईद मनाई गई है, हनुमान जयंती मनाई गई है, दीपावली मनाई गई है और होली मनाई गई है
और हम सब भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि ईद या कोई भी पवित्र त्यौहार पूरे देश में शांतिपूर्वक से ढंग से हो और आपसी सौहार्द बनाते हुए और एक दूसरे के गले मिल करके सारे त्यौहार मनाए जाएं। पर मामला यहाँ पर यह है कि सिर्फ इसको लेकर के अन्य मुद्दों का, जो उत्तर प्रदेश में बहुत अन्य सारे मुद्दे जो हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए इन मुद्दों को क्यों उजागर किया जा रहा है कि ईद, रमज़ान, हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती। भाई सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ईद और बकरीद और दीपावली और होली दिवाली मनाते चले आ रहे हैं जी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से, जब से मेरे पूर्वज हुए हैं तब से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि कोई भी ईद या होली पर या दिवाली पर कोई विवाद नहीं हुआ, ना हनुमान चालीसा पर, ना अजान पर। आज क्या है, आज असल मुद्दों से सरकार भटकाना चाहती है जनता को, क्योंकि आज अगर मुद्दों से भटका देंगे तो ये बेरोजगारी पर जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, महंगाई पर आवाज़ नहीं उठाएगी, सुरक्षा पर आवाज़ नहीं उठाएगी, इस वजह से इन मुद्दों पर उजागर किया जा रहा, वरना पूरे भारतवर्ष में शांति से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और चाहे जितना भड़का ले लोग, चाहे जितना बहका ले लोग, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, हम लोग सभी भारतवासी लोग पूरे संविधान को ईमानदारी से और आस्था के तरीके मानते हैं और हम लोग भाईचारा कायम रखेंगे, चाहे जितना लोग बहकाएं भड़काएं, हम लोग ईद, होली, दिवाली सारे त्यौहार एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग मनाएंगे, और यही हमारी पार्टी का संदेश है और यही हम अपना भी संदेश इस चैनल के माध्यम से देते हैं जनता को। बिल्कुल आजम खान जी, जिस तरह से अभी रजी हसन ने कहा, जिस तरह से तैयारियां की गई है ईद को लेकर, जिस तरह से हिदायत मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, लाउडस्पीकर की आवाज़ें कम कर दिया जाए, किसी भी खुले स्थान पर जो नमाज है वो अदा ना किया जाए, किस तरह से आप इसको देखते हैं, जो ये तैयारियाँ ईद के लिए की गई, आखिर इतनी तैयारियाँ किस लिए? देखिए, मैं इस चर्चा की शुरुआत मैं परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी की उस बात से करूंगा जी। जो भी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उस समाज का अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि हिंसा को अपना धर्म मानते हैं जी। और उन्होंने अहिंसा के लिए कहा कि एकजुट होकर के हिंसा के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं जी। नंबर दो, कि हम भारतीय मुस्लिम हैं और हमारा डीएनए एक है, और ऐसे में दुनिया में सबसे अच्छा मुसलमान भारत का मुसलमान माना जाता है जी। फिर रही बात इस्लाम में क्या चीज़ जायज़ है क्या नहीं जायज़ है, इस पर मैं खुल करके तो बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ अगर हमारी तरफ से कमी रह जाए जी। तो मैं चाहूँगा कि उसको दुरुस्त करें जी। बिल्कुल। नंबर एक, कि आजान का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, मैं बहुत ही जो हमें जानकारी है लाउड स्पीकर से नहीं है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आजान का ताल्लुक लाउड स्पीकर से नहीं है जी। हाँ, आजान जो है 1400 साल से ज्यादा लगभग हो रही मस्जिदों से जी। लेकिन कभी वो धर्म का हिस्सा लाउड स्पीकर नहीं रहा, क्योंकि लाउड स्पीकर 1925 में आया जी। उससे पहले जो आजान हुआ करती थी वो ऐसे ही मस्जिदों पर खड़े होकर के आजान देते थे लोग, ताकि लोगों तक पहुंच जाए आवाज, और जो नहीं उठे हैं नहीं सुन रहे हैं वो अगर आसपास के लोग हैं तो आ जाए जी, जी। और जहां तक कि योगी सरकार की बात है तो मैं कहता हूं कि जो काम बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर नहीं कर पाए वो योगी जी ने किया जी। योगी जी ने मीट के ऊपर पाबंदी लगाई, मीट के ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई कि भाई आप उसको प्रॉपर वे में एक लाइसेंस लेकर के और किसी बीमार जानवर को ना काटें ना उसको बेचें जिससे समाज में बीमारी फैले जी। इस पर कभी काम नहीं किया गया। जहाँ तक हमने अभी देखा है और जहाँ तक बाहर नमाज पढ़ने का तरीका है जी। किसी भी इस्लामिक स्टेट में आप चले जाएं जी। लगभग 53 कंट्रीज हैं इस्लामिक स्टेट ओआईसी के जो मेंबर हैं
जी। कहीं भी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं अदा की जाती, नहीं की जाती। ये भी इस्लाम के रूह के खिलाफ है, इस्लाम की आत्मा के विरुद्ध है। वहां पर यह होता है कि अगर मस्जिद में एक टाइम की नमाज हो गई तो कुछ लोग किनारे खड़े रहते हैं, और जब वो लोग बाहर आ जाते हैं तो फिर से एक और जमात खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी कभी सड़क पर नहीं आता। क्योंकि सड़क पर आने का मतलब यह है कि अगर कोई बीमार, कोई एम्बुलेंस, कोई परेशान, कोई जरूरतमंद अगर उधर से गुजरना चाहे तो अगर उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का हनन होगा। और कोई भी भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि अगर कोई भी उसका बंदा जी नमाज से परेशान हो, इबादत से परेशान हो, पूजा से परेशान हो। तो ये जो पूजा है, इबादत है, ये टोटली शुद्ध रूप से ईश्वर को खुश करने का एक प्रयास होता है। और ऐसे में अगर हम प्रयास ही गलत तरीके से कर देंगे तो कहते नहीं शेर, ना ही खुदा मिला ना वसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल। हमारे साथ आरिफ महमूद जो अरेली से जुड़े हैं। आरिफ जी, जिस तरह की तैयारियां ईद को लेकर के की जा रही हैं, इतनी सुविधाएं, इतने सख्त निर्देश, किस तरह से देखते हैं आप इतनी तैयारी ईद को लेकर? क्यों देखिए मैडम, मैं सबसे पहले जो हमारे सारे पैनलिस्ट, हमारे साथी सब बैठे हुए हैं, हम सबको और आपको भी हम ईद की मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद हम देते हैं। और जो आपने बताया कि इस साल ईद की जो तैयारी की गई है शासन प्रशासन सरकार की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय है। हम योगी जी के, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कदम को हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही हम सराहते हैं कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर किसी न्यूसेंस के, बगैर किसी हिंदू और मुसलमान के टूटू महीने के, बगैर किसी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए जिस तरीके से रामनवमी हिंदू भाइयों का त्यौहार और मुस्लिम भाइयों का सबका त्यौहार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है साहब। इसको लेकर के हमारे मुस्लिम भाइयों में और हिंदू भाइयों में भी जो आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि हमारी सरकारें हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानती हैं आपके दोनों कौम की तरफ भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, जिनके लिए मैं आपके चैनल पर ये कहता हूं कि कुछ अराजक तत्व दोनों तरफ से ऐसे भी हैं जिनका कहना ये होता है, मानना ये होता है कि ये दुनिया बहुत हसीन है, चलो इसे खराब किया जाए। तो ये वो लोग हैं। तो आज जो ये लोग सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत हसीन है, चलो इसे खराब किया जाए, तो आज इसके लिए योगी जी एक रक्षक बन करके बैठे हुए हैं। मैं बहुत आत्मविश्वास से मैं तारीफ करता हूं इस सरकार की कि सरकार हर एक उन चीजों को आगे बढ़ करके रोकती है। और जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा कि ईद के मौके पर अयोध्या में मस्जिदों पर गोमांस और क्या क्या सब भेद, वो कुछ धार्मिक किताबों को फाड़ करके वहां पर रखा गया, लोग पकड़े भी गए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। इससे ऐसा करने वाले लोग जो प्रदेश को खराब करना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई भाइयों को आपस में लड़ा करके प्रदेश को जलाने में झोंकना चाहते हैं, इनके लिए योगी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही विश्वसनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ईसाइयों को सबको मिलकर के इस कदम को सराहना चाहिए। और हम इस सरकार को, योगी जी के निर्णय को हम सलूट करते हैं, बहुत अच्छा कदम है। इससे आगे भी चल करके हम लोग इतने सुकून से रहेंगे, हिंदू से उत्तर प्रदेश की जो जनता है। बस अब इतना ही हमारा कहना है कि ये कदम बहुत अच्छा है। ईद हम सब मिलकर के बहुत अच्छी मनाएंगे, और विवेक जी भी बैठे हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट भी बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि इतनी मोहब्बत से हम लोग ईद मनाएं, दिवाली मनाएं, कि विवेक जी आप आए, ईद के मौके पर आप आए और हमारी माएं और बहनों के हाथ की बनी हुई सेवई आप खाएं, हम दिवाली के मौके पर आपके घर जाएं, वहां हम बैठ करके मिठाइयां खाएं। और पहले भी ऐसा होता था मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, पहले भी ऐसा होता था कि बहुत से हिंदू भाई ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों के यहाँ आते थे, जाते थे, सारी चीजें होती थी। दिवाली पर हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे, छोटे छोटे हम लोग थे उस वक्त, पटाखे भी हम लोग उनके घरों में जाकर के छुड़ाया करते थे। वही एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहिए, वही एक ऐसा माहौल चाहिए, वही एक ऐसा देश चाहिए कि हम सब जो मिलकर के हंसी और खुशी और ईद त्योहार, सारी त्योहार हम लोग आपस में मिलकर के मनाए, यही हमारा कहना है ईद के मौके पर हम सब लोगों को। मैं एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी
सभी से। आज की हमारी जो चर्चा है वो बिल्कुल अहम है और शायद ये मेरे तरफ से थोड़ा इमोशनल भी हो जाएगा क्योंकि मैंने पहली बार अपने सारे पैनलिस्टों को इस तरह से देखा है जो एकता की बात कर रहे हैं। और मैं भी अपनी नौकरी में हूँ, मेरे ऑफिस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हैं, हम सभी त्यौहार एकता के साथ मनाते हैं। बस मैं एक छोटे से जो असदुद्दीन ओवैसी उनके बयान की चर्चा करना चाहूँगी आप लोगों से। वो अभी जहांगीरपुरी पहुँचे हुए थे, उन्होंने रोते हुए एक बयान दिया। हालांकि मैं उनके इमोशन की कद्र करती हूँ कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हम इनसे नहीं, हम अल्लाह से सिर्फ डर के इनका मुकाबला करेंगे। तो इस तरह के बयानों को आप लोग किस तरह से देखते हैं और इस तरह के बयान किस तरह से लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि वो भी एक लीडर है, लोग उनको सुनते हैं। जी आजम खान साहब, देखिए ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं और जी। कुछ मुसलमानों का नेतृत्व भी करते हैं जी। लेकिन उनको एक कमजोर कड़ी मालूम है कि मुसलमान जज्बाती होता है जी, और वो उसका बिजनेस करते हैं, मतलब उसकी ब्रांडिंग वो करते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से इस संवेदनशील मुद्दे पर उनको उकसाया जा सके और उनको आने वाले चुनाव में कैसे पोलराइज किया जा सके। ओवैसी साहब को मैं पहले चाहूँगा कि आपके माध्यम से ईद की मुबारकबाद दूँ, और ओवैसी साहब जैसे लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ दूरी पैदा करने का काम करते हैं। उन्होंने कभी भी इस तरह के बयान नहीं दिए जिससे दोनों समाज में आपस में मोहब्बत पैदा हो। तो मेरे बड़े भाई ओवैसी साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूं और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने जो है पूजा पद्धति बदली, पूर्वज नहीं बदले हैं ओवैसी साहब, हम सबके पूर्वज एक हैं। तो आपने भी पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले जी, बिल्कुल। तो उस पूर्वज को जो सम्मान होना चाहिए समाज में, वो सम्मान हम देते रहे हैं। और आप प्लीज, अब तो ईद आ गई है, लोग खुशी खुशी त्यौहार मनाने के लिए चल पड़े हैं, आपस में मोहब्बत की बातें करने लगे हैं, एक दूसरे से गले मिलने का दिन आ गया है, और आप प्लीज इस तरह की बातें भावुक होकर के मत कीजिए, जिससे आपस में हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती में आप जहर घोलने का काम मत करें। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल है, रजी हसन, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, हमें लगता है कि अभी भी चुनाव गया नहीं, आज भी उसी तरह की सोच जैसे चुनाव में, बांटने वाली, लड़ाने वाली, समझाने वाली, धोखा देने वाली, जिस तरह का उनका बयान था, हम उस बयान की क्या कहें, उसको तो कह नहीं सकते, हम तो सोच नहीं सकते। जिस तरह के उनके बयान थे उसके बारे में अगर इस डिबेट में भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं लोगों में गलत संदेश जाएगा। हम तो कहते हैं उस बात का नाम ही ना लिया जाए इस डिबेट पर, जिससे समाज बट रहा हो, देश बट रहा हो, इंसानियत बट रही हो। और अब चुनाव खत्म हो चुका है सभी के लिए, चाहे वो हम लोग हो, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे वैसी साहब हो, चुनाव खत्म हो गया है। अब तो एकता की बात, और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश में कैसे विकास हो, देश में कैसे बेरोजगारी खत्म हो, इस पर भी बात हो। सिर्फ इसी मुद्दे को, जिस दिन आप देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमेशा से ही ईद और दीपावली इतनी खुशहाली से मनाई जाएगी, शायद भविष्य में ईद और दिवाली ऐसी ना मनाई गई हो। सुरक्षा की बात कर ली जाए, अगर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिल जाएगी तो वाकई ऐसी होली हो जाएगी रंगों भरी कि सभी की जिंदगी में खुशियों के रंग भर देगी। तो हम इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि अब कुछ विकास की बातें भी हो जाएं और कुछ तरक्की की बात हो जाए, ताकि जिस तरह का योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया, आरिफ भाई बहुत ही सराहना कर रहे थे, आजम भाई भी सराहना कर रहे हैं, और पवन जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी सराहना कर रहे हैं। हम सराहना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाज एक रहे,
और उस समाज को कौन एक करता है? आजम खान साहब करते हैं या रजी हसन करते हैं या कोई भी, या आप हमारी एंकर जी करती हैं, उससे मतलब नहीं। हमारा समाज एक रहे, यही पूरे देश में संदेश जाना चाहिए और यही एकता का प्रतीक होना चाहिए। और जिस दिन बेरोजगारी, अत्याचारी और सुरक्षा व्यवस्था और महंगाई कम हो जाएगी, उस दिन इससे भी अच्छे त्यौहार मनाए जाएंगे और खुशियों से मनाए जाएंगे और बेहतर तरीके से मनाए जाएंगे, फिर तो और मजा आएगा। जी बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, हमने एकता की बात करी और बेहद ही अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से हम इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। रायबरेली या बरेली से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, माफ करिएगा एग्जैक्ट जगह मेरे दिमाग से भी स्किप कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं ईद के दिन जागरण करवाऊंगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं, किस तरह से ये एकता को भंग कर रहे हैं? ईद के दिन वो जागरण करवाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी इस तरह का एक विषय आया था जिसमें पुलिस प्रशासन ने ऐसे किसी कार्यक्रम की इजाजत देने से मना किया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने एक ठेस तो पहुंचाई ना, गलत चीज है कि नहीं है? प्रशासन की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकेगा, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे हमारे दल के हों, चाहे आरिफ जी के दल के हों, चाहे रजी जी के दल के। आपने बात करी परमिशन की, एक वाक्य मुझे सहारनपुर का याद आ गया, स्ट्रिक्टली मना था कि खुले स्थानों पर नमाज नहीं अदा किया जाएगा। सहारनपुर में भारी भीड़ थी और लोगों ने वहां पर नमाज अदा करने की कोशिश की, काफी शांति भंग करने की कोशिश की, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है समाज में, इस तरह के जो तत्व हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनसे उत्तर प्रदेश में सरकार कड़ाई से निपटेगी। और ईद बहुत ही ऐसा त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, शासन प्रशासन का पूरा प्रयत्न यह रहेगा कि किसी की खुशी में खलल ना पड़ने पाए। और ऐसे जो शरारती तत्व जो त्यौहार को बिगाड़ना चाहते हैं, खुशी को में किसी के खलल डालना चाहते हैं, उनको शासन प्रशासन चिन्हित करके कड़ाई से उनसे पेश आने का काम करेगा। बिल्कुल रजू हसन जी। पवन जी, किसी का त्यौहार नहीं, विवेक जी, ये किसी का त्यौहार नहीं, ये पूरे भारत वर्ष का त्यौहार। आप हमेशा ऐसे ही क्यों कहते हैं बांटने की बात कि किसी के त्यौहार में? हम नहीं कहते होली का त्यौहार किसी का है, होली हमारा त्यौहार है, हमारे भारतवर्ष का त्यौहार है। आप हमेशा फिर वैसी जैसी भाषा, वैसी साहब जैसी भाषा क्यों? हम कहते हैं ना, फिर क्यों ऐसे बांटने की बात कर रहे हैं? आप कहिए ईद जैसा त्यौहार या हमारे यहाँ जो ईद का, आप किसी का त्यौहार क्यों कह रहे हैं? आप ये कहिए समाज का, पूरे देश का जो पवित्र त्यौहार है ईद, हमारे देश का पवित्र त्यौहार है दीपावली, होली, आप फिर क्यों बांटने की बात कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं? आप जोड़ने की कोशिश करें। इसीलिए कहते हैं कि दो दल जो ऐसे हैं, वैसी साहब के भी भाषण बहकाने वाले और आप लोगों के भी हमेशा बांटने वाले। अरे कम से कम अब तो त्योहारों पर तो राजनीति ना हो, अब तो सुकून से मना लेने दीजिए सभी को और पूरे देशवासियों को ईद और होली, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार किसी ने होली मनाई खुल करके और पहली बार ईद मनाई। क्या आपने सोचा कि कोविड के बाद कैसे लोग त्यौहार मना रहे हैं? महंगाई के साथ भी अभी भी त्यौहार मनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महंगाई में थोड़ी कमी आ जाए तो त्यौहारों का मजा और बढ़ जाता, मगर क्या करें आप, बांटने से जब फुर्सत मिलेगी, जब महंगाई कम होगी। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए त्रिशला जी, जो रजी साहब ने विषय उठाया उसका उत्तर आजम खान जी की बात में था, रजी जी ने उस पर गौर नहीं किया। जो आजम खान साहब ने कहा कि देखिए कुछ लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले हैं, तो मैं रजी साहब को ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली है, मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ हमने अपनी पूजा पद्धति नहीं बदली है। अब आ जाइए जो महंगाई की बात है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आग्रह किया कि जो डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये डीजल पे कम किया, उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपने अपने यहाँ बैट में कमी की और उससे इस वैश्विक महंगाई के ज़माने में
उन भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की जनता को थोड़ी राहत मिली, जैसे कि लखनऊ में 105 रुपए पेट्रोल, उत्तराखंड में 103 रुपए पेट्रोल, लेकिन कलकत्ता में, जयपुर में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, इन लोगों ने उस जो भारत सरकार ने कमी की उसके प्रत्युत्तर में एक रुपया भी कम करने की कोशिश नहीं किया और ये केवल गाल बजाते रहे। आजम खान जी, गाल बजाने से महंगाई कम नहीं होने वाली है। संसद में, सदन के अंदर पेट्रोलियम मंत्री का बयान आ चुका है कि अमेरिका में, कनाडा में, अन्य देशों में 50 से 52% नहीं हो रही है। देखिए, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं रही, नींबू कहाँ जा रहा है? आप देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप खाली पेट्रोल को बता रहे, आप लोग सिर्फ ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उत्तर प्रदेशों में सरकार है उनमें वैट हटा दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। डीजल पेट्रोल के दाम घटने का असर सारी वस्तुओं पे पड़ता है जी। जो हमने किया, अगर ये भी करते तो कुछ तो राहत मिलती। आज आप महंगाई का रोना तो रो रहे हैं कांग्रेस के हमारे साथी जन इन प्रदेशों में हैं, लेकिन अगर ये कम करते या पश्चिम बंगाल में कम करते तो कुछ तो राहत मिलती जनता को इस वैश्विक महामारी की और ये महंगाई की मार के बीच में। लेकिन इन लोगों ने सिवाय गाल बजाने के कुछ भी करने की जरूरत नहीं महसूस की। और बार बार अगर अभी हम GST के दायरे में लाने की बात करें पेट्रोलियम उत्पादों को, तो GST काउंसिल में इसके विपरीत आचरण करते हैं, वहाँ तुरंत पलट जाएंगे। ये सारी स्थितियाँ हैं जो इनके दोगलेपन को जनता के सामने लाने का काम भी हमें करना है। हम बताएंगे जनता को, और जो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है यदि उस पर ये लोग अमल करते हैं तो इससे निस्संदेह जनता को राहत मिलती। देखिए, मुझे एक अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर की महंगाई के चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि कोविड के बाद से महंगाई, कोविड की महामारी में लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों का सामना किया, महंगाई बढ़ी, लोग बेरोजगार हुए, अभी भी गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। मुझे एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में 12 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी के, और जो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली एक महीने एक सिलेंडर को चला लेता है, 600-650 लगभग 680 रुपए के आसपास मिलता था। उसके बाद अभी जो महंगाई आसमान छू रहा है, विवेक जी क्या कहेंगे आप इस पे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए त्रिशला जी, और आपने, आपकी सरकार ने तो बात भी कही थी ना कि त्योहारों पे फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे चुनाव के दौरान। नहीं, बिल्कुल दिए जाएंगे। सरकार अपने जो 22 के संकल्प पत्र में जितनी बातें हैं उन संकल्प पत्र पे अच्छरसा काम करने की तैयारी में है। अभी जो सरकार जिस तरीके से, आपने देखा कि 100 दिन का एक टारगेट दिया गया, 6 महीने का टारगेट दिया गया, साल भर का, इसी क्रम में सारे मंत्रियों को 72 घंटे का टास्क दे करके एक मंत्रिमंडलीय समूह बना करके मंडलों में सारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किए गए कार्यों की, वो भारत सरकार की जो योजनाएं उनके किस तरह से लागू हो रहे हैं, जनता तक उनका लाभ कैसे जा रहा है, कहीं कोई रुकावट, कोई असुविधा तो जनता को नहीं हो रही, ये सारे डाटा लेने के लिए मंत्रिमंडलीय समूह की रचना करके भेजा गया है और वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं। इस समय सारे मंत्री, कोई मुख्यालय में आपको नहीं मिलेगा, सारे मंत्री अपने अपने निर्देशित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पिछले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, सरकार दोहराई गई है। बिल्कुल जी, आजम खान जी अपनी बात रखे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर मैं कह लूंगा कि अधिकारों के अलावा हमको कर्तव्य के बारे में भी चर्चा करना चाहिए कि एक भारतीय होकर होने की वजह से हमारी ड्यूटीज क्या है। अब उन ड्यूटीज पे अगर हम चर्चा करेंगे तब तो मैं समझता हूं कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार की बात हो। ड्यूटीज में क्या आता है कि हम जो सब्सिडीज को, बहुत से ऐसे लोग भी सब्सिडीज को यूज कर रहे हैं जो कि सक्षम, जिस तरह से गांव में फ्री राशन की व्यवस्था की गई है, उन राशन को लेने वालों में बहुत से सक्षम लोग भी हैं जिनके वहां रोजी रोटी की पूरी अच्छी व्यवस्था है, फिर भी वो सरकार के जो योजना चल रही है उनमें से भी हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, कई लोग तो किसान निधि, जो टैक्स पेयर है वो किसान निधि के पैसे जी ले रहे हैं। अब मैं आपको और बता दें मैडम कि इसी प्रकार से जो गैस सिलेंडर है जी, मैं 2013 में मैंने सब्सिडी खुद जाके, हमने कहा कि हमारी सब्सिडी हटा दी जाए, मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सक्षम हूँ
और मैंने उनको लिख के दिया और उसी दौर से सब्सिडी हमारी खत्म हो गई। मैं सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं लेता हूँ आज भी। अगर पहली बात है लोग जागरूक, और वो जागरूकता तभी आएगी जब हम अपनी ड्यूटीज़ के बारे में सोचेंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे। अगर हम बहुत से लोग अपने बारे में ये सोच लें कि साहब जो है हम जो है अब सब्सिडी नहीं लेंगे, हमारा पड़ोसी जो गरीब है, जो परेशान है, जो मोहल्ले में रहता है परेशान है, उसको 2 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, इससे एक फ़ायदा होगा। दूसरी बात, सब्सिडीज की तरह तर्ज पर एक चीज़ और भी होती है, आरक्षण। आरक्षण को भी आप रोजगार से जोड़िए, और रोजगार का ताल्लुक सीधे पेट से होता है। एक व्यक्ति को अगर आरक्षण की वजह से नौकरी मिल गई तो उसे मुफ्त राशन लेने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएएस हो गया, अब उसका बेटा भी आरक्षण ले रहा है, वो भी आईएएस हो जा रहा है, उसकी बहू भी आ रही, वो भी आईएएस हो जा रही, तो कहीं ना कहीं से दूसरे का हक मारने का समाज में प्रयास हो रहा है। इन बिंदुओं पर जब गंभीरता से चर्चा होगी तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो हमारी तरह ही जाएं और लिख के दें कि अब मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग सक्षम हो गए हैं, हमारा परिवार 2 अक्क की रोजी रोटी खा रहा है, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अब मुझे किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं चाहिए सरकार से जिससे हमको दूसरी पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल रजी हसन जी, तमाम चुनाव के जैसा अभी आजम खान साहब ने कहा कि अगर हम सभी लॉयलिटी के साथ जाएं और बताएं कि हमें आरक्षण मिल चुका है, हमें इसका फायदा नहीं चाहिए, इस तरह किस तरह से आप इसको देखते हैं? और अगर शायद ये हर कोई फॉलो कर ले तो किसी को मुफ्त राशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। देखिए, जिस तरह से लोगों को बहकार कर और लालच देकर, चाहे किसी चीज की भी हो, जब किसी को आप लालच देंगे तो कहीं ना कहीं वो बहक जाएगा। और सबसे बड़ा आपने देखा होगा फ्री राशन वाला, अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत से लोग सब्सिडी पा रहे हैं जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी। ये सरकार जांच करे ना, सरकार उन्हीं लोगों को राशन दे और उन्हीं लोगों को सब्सिडी दे जिनको उसकी आवश्यकता है। जब सरकार इनके साथ खुद मिल करके और राशन का भंटादार कर रही और सब्सिडी का भंटादार कर रही है तो क्या जाँच करेगी और क्या वेरिफिकेशन होगी? यही पर बात आती कर्तव्य की, कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो खुद भी तो जाके बताए। सरकार के पास बहुत से काम आजम खान साहब, सब आपके बिंदुओं पर जाके चर्चा नहीं करेगी, सब आपके जैसे नहीं है। जो अब आप मान के लिए कि लोगों ने, जैसे लोगों से कहा गया चुनाव के समय 15 लाख नौकरियां, जी जी, अब मान लीजिए कि सब लोग भरोसे पे रह गए कि 15 लाख नौकरियां मिलेंगी हर साल, जी, किसी को नौकरी मिली नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में 2 लाख नौकरियों का वादा था, पहले सुन लीजिए पहले, जी जी, उत्तर प्रदेश में 2 लाख नौकरियों का वादा और 2 लाख नौकरियों के बाद चुनाव हो गया और उसका मामला खत्म। बताइए किसको 2 लाख नौकरियां हर साल मिली आपके? 2017 से 2022 तक आपकी सरकार रही, आप हमको बता दीजिए कि कितने लोगों को राशन ऐसे लोगों को मिल गया जिनको जरूरत नहीं थी, इसकी तो सरकार जांच करेगी ना। और किनको आपने नहीं दिया जिनको राशन की सख्त आवश्यकता थी? गैस सिलेंडर उन लोगों को मिल गया जिनको जरूरत नहीं थी, जैसे आजम खान साहब, इन्होंने मना कर दिया, आपने सिलेंडर कर दिया, सब्सिडी वापस कर दी। मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी के पीछे जालसाजी कर अपना कोरख धंधा चालू करे हैं, और जिसमें हम चाहेंगे पवन जी, विवेक जी से कि इस पर सरकार से विचार रखें कि जिनको जरूरत नहीं है उसका पूरा उसका चिट्ठा निकालें और उसकी समीक्षा करें। रजी हसन जी, आपने बहुत पॉइंटेड बात कही, उसकी समीक्षा की जाए, सरकारों की अगर बात की जाए तो कोई सरकार इसे अछूता नहीं है रजी हसन जी। हर सरकार अपने लोगों को फायदा दिलवाने में रहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। पूरा करिए जी, जब आप वादे करें तो पूरा करें। कितने वादे पूरे किए गए हैं आपको भी पता है, आपको भी पता है, जो इस वक्त 58,000 सहयोगी शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो 2017 में पास की गई थी मानदेय वाली, क्यों उन्हें लटका करके छोड़ दिया गया कि आगे हमारी सरकार बनेगी तब उन्हें नौकरी दिया जाएगा? देखिए, कोई सरकार इसे अछूती नहीं है रजी हसन जी, कोई भी सरकार इसे अछूती नहीं है। मैं मानता कि कोई सरकार अछूती नहीं, पर मेरा तो निवेदन है खाली ना विवेक जी से, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच करवा लीजिए जिसको सब्सिडी की जरूरत हो। मैं आजम खान साहब की भाषा बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ आप तो इसके पीछे कोरख धंधा मत करिए।
सब्सिडी का पूरा फायदा आप मत उठाइए, सरकार इसको पैसा, गरीब जनता का पैसा बचाकर अपने स्विस अकाउंट में न रख के जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, जिनको नहीं जरूरत उनको मत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जब आप लालच देंगे देश में 15-15 लाख नौकरियों का, तब तक देश भविष्य बिल्कुल रजी हसन जी, मैं एक और उम्मीद और करती हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से। जिस तरह रोड पर तमाम तरह के प्रदर्शन होते हैं, मुझे लगता है विपक्ष, आप विपक्ष में है और विपक्ष एक अहम रोल निभाता है सत्ता में, विपक्ष को बिल्कुल ये मुद्दा उठाना चाहिए। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी आरिफ महमूद जी, आपने सुना कि किस तरह से ये बात चल रही थी कि हर कोई लॉयलिटी दिखाए और जाकर के बताए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, किस तरह से देखते आप, कितनी लॉयलिटी लोगों में है? देखिए मैडम, आज आप जिस ईद के मुद्दे पर आप ये बहस लेकर के आई हैं जी, एक भाईचारे की और एक मोहब्बत पर जी, तो मेरा ये मानना है कि देखिए अभी मैं आपको बस एक एक 2-4-5 सेकंड में मैं एक बात बता दूं आपको कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं अपने एक साथी के साथ जा रहा था, तो शाम का वक्त था, खड़े हो गए हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए, तो वहां पर एक ठेले वाला था आइसक्रीम, उससे हम लोगों ने लिया और लेने के बाद हम लोग खाने लगे, तो उसने अपने घर से उसका फोन आ गया जी। उसने वो सब्जी के बारे में बात करने लगा था कि ये सब्जी ले लो वो सब्जी ले लेना, हम इतनी देर में घर पर पहुंचेंगे, तो फिर इसकी तरफ से एक ऐसी बात गई, नहीं नहीं वो सब्जी वो तो बड़ी महंगी है ये ले लेना तुम। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई अब महंगाई बहुत बढ़ गई है जी। तो अब इस महंगाई को यार कैसे देखते हो आप, एक ठेला लगाते हो क्या सारा खर्च पूरा हो जाता है? तो छूटते ही उस शख्स ने ये कहा, उसने कहा कि भैया देखिए महंगाई महंगाई हम सब झेल लेंगे, हम लोग नहीं खाएंगे महंगी चीज, मगर ये रहा कम से कम वो सरकार नहीं आई जो हम लोगों का उत्पीड़न करती थी, वो मुसलमानों का सपोर्ट बहुत करती थी, समाजवादी पार्टी के लिए कहा उसने। तो मैंने कहा कि यार सिर्फ इतनी की वजह से तुम महंगाई झेल रहे हो कि वो समाजवादी पार्टी मुसलमानों का सपोर्ट बहुत करती थी, आज सपोर्ट मुसलमानों का नहीं हो रहा, सरकार नहीं आई, तो भाई इतने से तुम खुश हो? तो मैडम मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो गरीब है, जो हमारा पड़ोसी भी गरीब है, वो हमारे पड़ोसी में हिंदू भाई भी हो सकता है और हिंदू भाई के पड़ोसी मुसलमान भी हो सकते हैं, हम दोनों के अंदर जब इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि हम अपनी चीजें जो हमको नहीं लेनी चाहिए और हम अपनी चीज हम उस पड़ोसी गरीब को देने का हम दावा रख रहे हैं, तब जाकर के समाज के अंदर ये सुधार आ पाएगा कि गरीब कौन है, गरीब को क्या मिलना चाहिए और अमीर को नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास है उनको नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार अपने लिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, हम इस बात से मुझे इनकार नहीं है कि बहुत सी सरकारें आई वो सब अपने लोगों के लिए भी करती रही, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे गठबंधन अखिलेश जी की भी सरकार रही हो, कहीं ना कहीं सरकारों से गलतियां होती हैं। तो हम सब लोगों को आपस में, गरीब हो छोटा हो, सब मिल करके एक ऐसी मोहब्बत पैदा करना चाहिए कि गरीब वो गरीबी के, अरे उसके महंगाई के लिए हम सब लोगों को निकल करके सड़कों पर लड़ना चाहिए, सरकार को हम लोगों को सचेत करना चाहिए। सरकारें विपक्ष की दुश्मन नहीं होती हैं, वो भी सरकार हमारी है, अगर हम विपक्ष में है वर्तमान जो सरकार है वो भी हमारी सरकार है, मगर कहीं कोई मुद्दा ऐसा छूट जाता है जहां पर गरीब वंचित हो रहा है, जहां पर शोषित हो रहा है, जहां पर उन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो विपक्ष का मतलब यही होता है कि हम लोग उसकी आवाज को उठाते हैं और उसकी आवाज को सरकार को भी समझना चाहिए, तब कहीं जाकर के गरीबी और गुर्बत दूर हो सकेगी, जिसका हक है उसका उसको मिल सकेगा। मगर अब यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि वक्त कम है, विवेक जी बैठे हुए हैं, विवेक जी चलिए आज ईद के मौके पर एक ऐसी बहस हुई, हम आपसे तो ये कहेंगे साहब आप परिवार सहित हमारे यहाँ आइए, हम आपको ईद की दावत देते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, हम सब आपको लेकर के चलेंगे, रजी हसन साहब के यहाँ भी, आजम खान साहब के यहाँ भी, हम लोग सब चल करके एक साथ आज इस मौके पर सेवई और आपस में बैठ करके खाएं, एक नई रणनीति बनाएं कि हम लोग महंगाई से कैसे लड़ सकें। जी बिल्कुल, आजम खान साहब मैं आपसे बस एक फाइनल कमेंट एक बात पे चाहूंगी। आरिफ महमूद साहब ने अभी कहा कि वो आइसक्रीम के ठेले पर खड़े थे, आइसक्रीम वाले ने ये कहा हम ये जो महंगाई है वो झेल लेंगे, लेकिन समाजवादी की सरकार नहीं लाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिमों को सपोर्ट करता है। किस तरह का मैसेज आप देखते हैं हमारे समाज के लिए? हम महंगाई झेल लेंगे, हम बेरोजगारी झेल लेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? इसे हमें दूर करना पड़ेगा मैडम मिल करके। मैडम एक सेकंड, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैडम एक सेकंड, आजम खान साहब मैं आपसे ज्यादा चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये इस तरीके की, अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कही थी है ना, तो इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए
आपस में भाईचारगी पैदा करने के लिए हम सब लोगों को मुखर होकर के खड़े होना पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान के खिलाफ। आखिर एक कम्युनिटी से इतना नफरत क्यों, एक कम्युनिटी से इतना नफरत क्यों कि हम महंगाई झेल लेंगे, बेरोजगारी झेल लेंगे, हम खुले मन से खड़े होकर बड़े बड़े दावे और वादे करते, चाहे वो किसी किसी की भी पार्टी सत्ता में हो, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हम एकता की मिसाल देते हैं, लेकिन इस तरह का जो मानसिक एक गरीब आइसक्रीम वाले में गया है, किसकी वजह से गया है, जिम्मेदार कौन है इसका, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका, कौन इस तरह से लोगों को बांट रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? मैडम जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, एक पक्ष खड़े होकर के ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से हमें नफरत है, हम मुसलमानों के लिए ये करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आ जाते हैं वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं खड़े होकर के, ये बिल्कुल बांटने का काम करते हैं ये लोग। आज योगी जी जिस तरीके से ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं मैं उनकी सराहना करता हूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों सिख ईसाई भाइयों सब मिलकर के एक साथ हमें रहना चाहिए। गठबंधन की सर गठबंधन थी आपकी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ, आज भी है जी हाँ है, और अलग अलग मेल जोल और मुलाकात के सिलसिले भी जारी है पार्टियों के, तो किसको जिम्मेदार देखते हैं आप? नहीं मैडम देखिए वो श्रीवास्तव जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लग रहा है बांटने का कार्य करती है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने भर दिया आम जनता के अंदर कि हम महंगाई झेल लेंगे, लेकिन आप बताइए जवाब दीजिए इसका, आइसक्रीम वाले ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिए। सुशला जी भारतीय जनता पार्टी बांटने का नहीं जोड़ने का काम करती है जी। हम उन सारे जो मुस्लिम जो राष्ट्र की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं उनको भी हम जोड़ करके अपने साथ समायोजित करके देश की मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो फिरका परस्ती की बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और जो इनकी मानसिकता की जड़ों में खाद पानी डालते हैं, जैसे रजी साहब हैं आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो इन्हीं के पार्टी से जो सांसद लोग हैं जो उनके बयानात आते हैं वो सब तमाम बयानात ऐसे जब उसको आप तफसील से देखिएगा तो आपको एक समूह विशेष के द्वारा इस तरह के जो बयान देते लोग दिखेंगे जिससे बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती, तो ये घृणा का जब वातावरण एक तरफ से होती है क्रिया तो प्रक्रिया दूसरी तरफ से स्वतः आ जाती है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ हम चाहते हैं कि जो भी राष्ट्रवादी तत्व हैं वो सब लोग आवें मुख्य धारा में जुड़ करके देश के विकास के लिए काम करें आगे बढ़े। हमने तो बाकायदा इस पर अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, हमारी जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका एक अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हम तो मुसलमानों के बीच भी काम करते हैं, वहाँ से भी जो राष्ट्रवादी तत्व उनको निकाल करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लोग जुड़ते भी हैं, लोग समझते भी हैं कि देखिए ये देश सबका है और ये यहाँ मुसलमान कोई अरब से नहीं आए, ये रजी साहब बैठे हैं, ये आरिफ साहब बैठे हैं, ये आजिम साहब बैठे हैं, इनके कोई पूर्वज अरब से नहीं आए, ये हमारे इनके पूर्वज एक हैं, हमारा इनका खून एक है, डीएनए एक है, बस ये है कि इन्होंने पूजा पद्धति बदली हमने नहीं बदली। फिर क्यों भाई, एक फाइनल शॉर्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, आपके पास मैं आऊंगी आजम खान जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस मुद्दे पे मैं आपका आखिरी व्यू जरूर चाहूंगी। रजी हसन जी आप अपने शॉर्ट में अपना व्यूज रखें, समय की देखिए अभी जैसे कि पवन जी ने कहा कि हमने सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी जी, और जो यहाँ पर जो विषय था ईद पर था जी। और ईद पर से आते आते मैं बस एक सवाल आपसे सुन लीजिए पहले, बिल्कुल ईद की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह गरीब मैं एक वो मुद्दा जो है अहम है और इस तरह मैंने भी कई बार सामना मैं उसी किया पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आइसक्रीम तक आ रहा हूँ जी, हम महंगाई झेल लेंगे लेकिन हम समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, क्यों आइसक्रीम पर जी, जब देश में किसी भी पार्टी का हो जी या किसी भी दल का हो, चाहे वो पवन जी हो चाहे विवेक जी हो, सॉरी हम पवन जी कह रहे हैं क्योंकि परसों पवन जी बैठे थे साथ में, तो पवन जी का जी, विवेक जी जी, विवेक जी जब जब चुनाव में आपके यहाँ से मंच पर से बांटने की बात कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इनको छठी का दूध याद दिला देंगे, हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर ये कर देंगे, और हमारी सरकार बनती है 15 लाख दे देंगे, हमारी सरकार बनती है महंगाई कम कर देंगे, सुन लीजिएगा, जब जब ऐसे वादे होंगे तब देश अंधकार में जाएगा। आप जिस दिन पूरे भारतवर्ष में जितने वादे किए थे आपने
जिस दिन आप पूरे कर देंगे उस दिन ये मान के चलिएगा कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा, कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कोई और ईद और दिवाली का मुद्दा, कोई बेरोजगारी का मुद्दा कुछ नहीं आएगा सामने और देश और तरक्की करेगा। इसलिए कि जब जब आप चुनाव में आप बांटने की बात करते हैं और देने की बात करते हैं, देते कुछ नहीं है, तो बेरोजगार आदमी घर पर बैठकर शहर चौराहे पर खड़े होकर पान की दुकान पर यही चर्चा करता है कि समाजवादी पार्टी को उनसे मिलता है और हमको ये देने का वादा किए हैं। क्यों भाई ऐसी बात करते हैं? समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार बनाई, 27 लाख लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, उसमें ये नहीं देखा कि हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई। समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी, 55 लाख महिलाओं को हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया, जिसमें ये नहीं देखा कि वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, पारसी। लेकिन रोजी जी, तमाम कोशिशों के बाद भी जनता ने आपको मैंडेट तो नहीं दिया ना, आपको आज आप विपक्ष में बैठे हैं ना, तमाम योजनाओं को देने क्या कमी देखते हैं आप समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी में कोई कमी नहीं, हमारी पार्टी ने जितना विकास कार्य किया और जो भी वादे किए, हमारा 2012 का घोषणा पत्र आप उठाकर देख लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी रखा होगा हमारा घोषणा पत्र, कि बहुत से काम जो हम लोगों के कॉपी किए उन्होंने, हम लोगों के फीते काटे हैं, वो हमारे घोषणा पत्र ही से उन्होंने कॉपी किए। हमारा घोषणा पत्र 2012 में हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना जारी किया और 2017 तक हम लोगों ने उसमें संपूर्ण विकास करके और जनता को समर्पित। बिल्कुल रजू हसन जी, समय की कमी होने के कारण मैं आपको रोकना चाहूंगी। आजम खान जी फाइनल कॉमेंट में आपसे, उसके पहले रजू हसन जी एक बात मैं आपको बता दूं, आपने अभी बात किया जो भाषा की मर्यादा है चुनाव के दौरान बखूबी तोड़ी गई थी, कोई पार्टी से अछूती नहीं थी, किसी कोई पार्टी से छुट्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं, ने कभी ना मैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कभी देश तोड़ने वाला या देश प्रदेश तोड़ने वाला या बहकाने वाला कोई ऐसा भाषण आदरणीय अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी और जी उनका समय की कमी है, वरना मैं अभी आपकी पीसीआर से कहती आपको दिखाया जाता, व्यक्तिगत हो सकता पार्टी का नहीं हो सकता। जाइए आजम खान जी को बोलने दीजिए, व्यक्तिगत हो सकता पार्टी का बयान। रजू हसन जी एक बयान आपको याद है, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, हिसाब होगा। अखिलेश यादव जी चिरंजीवी सरकार बताए हैं, तमाम किस तरह से सम्मान में हमारा हिसाब हो रहा था, रजी हसन जी किसका हिसाब हो रहा था, पुलिस वालों का हिसाब, ट्रांसफर पोस्टिंग जनता की नहीं होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग जनता की नहीं होती है, बेगुनाहों को बंद करने का हिसाब, बेगुनाहों को जेल डालने का हिसाब, बेगुनाहों पर मुकदमे लादने का हिसाब, बेगुनाहों पर लाठी मारने का हिसाब। मर्यादित भाषा का प्रयोग करने से कोई पार्टी अछूती नहीं रही है 2022 चुनाव के दौरान, किया था आम जनमानस पर जो लाठियां चली, आम जनमानस पर जो जी। आजम खान जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, बता दूं जी, मुख्तार अंसारी साहब को हमारे उलमा नहीं है, वो हमारे धर्म गुरु नहीं है, वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से और उनके ऊपर कायदे से मुकदमा चलाया जा रहा है। तो अगर मुख्तार अंसारी को लेकर अगर कोई आदमी बयान देता है तो वो मुसलमान कौम के बारे में नहीं बात करता, वो एक अपराधी के बारे में बोलता है और अपराधी सब एक जैसे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दूसरी बात मैं बता दूँ, अभी मेरे से पूछा गया था कि साहब जो अयोध्या में हुआ उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं जी। तो मैंने कहा था अयोध्या में जिन बच्चों को पकड़ा गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, मुसलमानों को चाहिए उनको माफ करते हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई ना करें, क्योंकि अगर गलती किसी ने की है तो उनके परिवार को उसका नुकसान नहीं उठाना चाहिए, और अगर हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से फिर से समाज में हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा होगी। मैं इस एक्शन के, बुलडोजर का एक्शन जरूरी है, लेकिन उन अपराधियों के लिए किया जाए जिनका पूरा शिजरा अपराध में जुड़ा हुआ हो, ऐसे अब लोगों के खिलाफ ना किया जाए जहां पर लड़का अपराध करता हो और बाप का मकान तोड़ दिया जाए। इसके मैं शुरू से ही खिलाफ रहा हूं। अब बुलडोजर का इस्तेमाल बिल्कुल ही सिंसियरिटी से और बहुत ही गंभीरता से सरकार को करना चाहिए, कहीं ना कहीं से जो स्थानीय अधिकारी होते हैं सरकार को खुश करने के लिए कभी कभी वो काम कर देते हैं, जिससे सरकार को खुश किया जाए और हमको कहीं ना कहीं से उसका लाभ मिल सके कहीं ना कहीं से। लेकिन इसके बारे में भी हमारे सरकार, हमको लगता है कि योगी जी, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री, उनका निर्देश आ चुका है, पहली बात बता दें, वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है,
जी जो बात होती है भाजपा के मुख्यमंत्री और ये वो, मैं इसके खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये इस बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि बुलडोजर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से अधिकारियों द्वारा आपको कहीं ना कहीं से बदनाम भी करने की कोशिश की जा रही, उससे बचने की जरूरत है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और रही बात ईद की बात है, थोड़ा मोहब्बत की बात कर लें और बहस फिर कर लेंगे, फिर सियासत कर लेंगे, फिर हम इसी चैम्बर में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा लेंगे, कमियां निकाल लेंगे। लेकिन परसों ईद है, आइए मन करके मोहब्बत से ईद मनाया जाए और इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले से दुआ किया जाए कि ए ईश्वर, ए अल्लाह, हम सब में मोहब्बत पैदा कर दे और इस मुल्क को वहाँ पहुँचा दे जहाँ से लोग उसकी आवाज़ सुने, जिस तरह से आज अमेरिका की आवाज़ लोग सुनते हैं। मैं दुआ करूँगा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान हिंदुस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया सुने और हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात पूरी दुनिया सुने, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में सबसे अच्छा मुसलमान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मैं भारतीय इस्लाम को मानता हूँ। मैं उस इस्लाम को नहीं मानता हूँ जहाँ पर ज़रा ज़रा सी वहाँ पर गर्दन काट दी जाती है, ज़रा ज़रा सी बातों पर हाथ काट दिए जाते हैं। मैं उस तरह से, क्योंकि हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसीलिए बहुत से इस्लामिक कानून यहाँ लागू नहीं होते हैं। ये उलमाओं की ज़रूरत है कि मुसलमानों को समझाएं कि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, यहाँ का जो कानून है उसे मानना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर हम इस कानून को नहीं मानेंगे तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ होगा और ईमान से भी हम खारिज हो जाएंगे। तो ये ज़रूरत है कि हम अल्लाह के इस्लाम को मानें और मुल्ला के इस्लाम को ना मानें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार फिर से सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी होने के कारण मुझे इस डिबेट को ही रोकना पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, रजी हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, आजम खान इस्लामिक स्कॉलर, आरिफ महमूद आरएलडी से हमारे साथ जुड़े थे। और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी बातें रखी, कहीं ना कहीं एक एकता का प्रतीक है। जिस तरह से आज आप लोगों ने अपनी बातें रखी, अगर हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान से किसाई सभी इस तरह की सोच रखने लगे तो शायद किसी ओवैसी जैसे नेता की हिम्मत नहीं होगी आकर के हमें फूट डालने की, आकर के हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की। और इसी के साथ आज के चर्चा को मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।